वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग एच डी पेट्स। सो सागर भैया, आज कौन सा वीडियो रहेगा? अभी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में नेटिव स्पीशीज और एक्जॉटिक स्पीशीज पे ब्लॉग बनाए थे, अभी मैंने भी सेम एक लाया हूँ, नेटिव स्पीशीज एंड इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव मतलब जो इन्वेडर्स है, उसके बारे में आज बात करेंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए और क्या क्या हादसे हो सकते हैं इन्वेडर की वजह से अपने इकोसिस्टम में, उसके बारे में है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेटिव स्पीशीज़ और एक्जॉटिक स्पीशीज़। अब एक्जॉटिक स्पीशीज़ कब इन्वेजिव स्पीशीज़ बन जाएगी तो, और नेटिव स्पीशीज़ को कितना परेशान करेगी, उसके बारे में है। इन्वेजिव नाम आप समझ लीजिए इन्वेडर, जैसे ब्रिटिश ने अपने को इन्वेड किया था, जो भी 1800 साल मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, वो टाइम पे इन्वेड किया था, उन्होंने क्या क्या कांड किया आप सबको पता है। मुगल्स ने अपने को इन्वेड किया, क्या क्या कांड हुआ वो अपने को पता है। अभी आप जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ पाल रहे हो उसको अगर आप नेचर के लिए इन्वेडर बना रहे हो तो क्या क्या कांड हो सकते हैं वो इस वीडियो में बना रहा हूँ। ये कांड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि सबको ये समझ में आए कि आप जो लोग माल मतलब जो भी सामान ले रहे हैं, पेट्स ले रहे हैं, वो जाके बाहर छोड़ के आ जा रहे हैं तो वो कांड ही कर रहे हैं, वो कांड मत करो, मेरा कहना ये है। तो नेटिव स्पीशीज का है वो हैबिचुअल सेम रहता है, इन्वेजिव स्पीशीज का हैबिचुअल डिफरेंट है, वो डिफरेंट हैबिटेट का आया हुआ है, उसको आप अगर डिफरेंट हैबिटेट में डाल रहे हो तो जो प्रेजेंट हैबिटेट जो नेचर स्पीशीज नेटिव स्पीशीज है उसके साथ पूरा डिवास्टेशन होने वाला है। एग्जाम्पल, आपने एक सगर कैटफिश डाल दी है एक लेक के अंदर, उसके अंदर क्या होने वाला है, जो भी इंडियन मेजर कार्प्स है, रोहू, कटला, मृगल, वो सारी सकर फिश, वो सारे के सारे सीड्स जो रहते हैं, अंडे जो रहते हैं कार्प्स के, वो पूरे खा जाएंगे। तो उससे फिशरमैन का भी लॉस है, इकोसिस्टम का भी लॉस है, प्लस इकोनॉमी का भी लॉस है। इसमें इकोनॉमी कैसे आ जाती है बताता हूँ। जितनी भी नेटिव स्पीशीज़ है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो निकालते हैं खाने के लिए, मतलब पकड़ते हैं बड़ी होने के बाद, और वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होती है। और अगर ये स्पीशीज़ ज़्यादा मात्रा में हो गई तो हम आगे जाके कभी अपनी नेटिव स्पीशीज़ खा भी नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज़ होते हैं, नेटिव स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज़ जो है वो डिवास्टेशन का ही काम करेंगे, कभी भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और उनकी मात्रा अगर बढ़ गई उस स्पेसिफिक स्पॉट या स्पेसिफिक लेक या रिवर जो भी है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एलिगेटर गार एक फिश है, उसको लोगों ने नदी में डाल दिया है, तो उससे जो गंगा नदी में बहुत सारे नेटिव स्पीशीज वो गायब हो रहे हैं और यही बढ़ते जा रही है, तो इससे भी अपना नुकसान है। नेटिव स्पीशीज ब्यूटी को सपोर्ट करती है, मतलब नेचर की ब्यूटी बना के रखती है। अपन जब बाहर घूमने जाते हैं तो अपने को जो ब्यूटी चाहिए वो मिलती है, इन्वेजिव स्पीशीज उसको डिस्ट्रॉय करेगी। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करने चाहिए अपन ने नेटिव अपने एक्जॉटिक स्पीशीज को पालने के लिए कि उनको इन्वेडर ना बने? पहला चीज़ करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पेट कीजिए, उसका जो इंक्लोजर, उसका जो जगह बना रहे हो, उसका जो टैंक्स बना रहे हो प्रॉपरली बनाइए, कि आपके घर में फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो नेचर में ना इन्वॉल्व हो जाए, वो वहाँ से निकल के वहाँ ना चले जाए, जंगल में कि नदियों में ना घुस जाए। जैसे केरल में फ्लड आए थे तो बहुत सारे लोगों के घर के अरापामा निकल गए थे और नदियों में मिल गए थे, तो उसमें बहुत लॉस हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ हम पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी नदी में कहाँ किस किस को पकड़ेंगे। सेकेंड चीज़ है, गुड कंडीशन में एक्जॉटिक को रखिए, कि ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ रहा है, ये हो रहा है बहुत, तो बहुत लोग बीमार पड़ने की वजह से उसको छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा एक कस्टमर ने हमारे यहाँ किया था कि उसने अपने कछुए को जाके छोड़ के आ गया था, फिर हमको आके बताया कि भैया बहुत बीमार हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। वैसा नहीं करना चाहिए, आप नहीं पाल पा रहे हो किसी और को दे दो, किसी पेट शॉप वाले को दे दो, किसी पहचान वाले को दे दो, कोई जू में दे दो, बट नीच इसमें मत डालो। डायरेक्टली आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें मत डाल दो। एक चीज़ ये रखनी, अपने इंक्लोज एरिया से बाहर जब जब उसको ला रहे हो उस चीज़ को, तो ध्यान रख के लाइए, उसका हैबिटेट घर पे अच्छे से मेंटेन कीजिए और कभी उसको वाइल्ड में छोड़िए मत। अभी एक क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लिप जस्ट देखिए, जब ये ऊपर आ रही है
इसके अंदर एक बंदे ने अपने घर की कोई तो फिश लेके जाके डाल दी नदी में, वो एक सामने से मच्छी ने आके मस्त से खा ली। वैसा चीज़ मत करो, आपको लग रहा है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक तो आप उसको मार रहे हो या फिर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का सामान बन सकता है। तो एग्जॉटिक और इन्वेजिव में ये फ़र्क थोड़ा समझिए कि एग्जॉटिक को इन्वेजन मत बना, इन्वेडर मत बनाइए, और नेचर को हेल्प कीजिए। एक एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, एक लिस्ट बता रहा हूँ कौन सी मछलियाँ जो बहुत परेशान करके रख दिया है एक अपने नदियों वगैरह में जो ऑर्नामेंटल में यूज़ होती है। पहली है सकर कैटफिश, उसका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है एलिगेटर गार, ये मच्छी को कोई मतलब इतनी बड़ी होती है कि एक बोट को हिला सकती है, बोट को गिरा सकती है, एक फ़िशरमैन की छोटी सी बोट को आराम से गिरा सकती है, इतनी बड़ी होती है। तीसरी है रेक्टेल कैटफिश, ये मच्छी को आप सब जानते हो। चौथी है एल्बिनो क्लैरियस कैटफिश, ये भी बहुत खाती है, इसको नहीं पालना चाहिए। चौथी पंगेशियस है, पंगेशियस कैटफिश जिसको शार्क बोला जाता है। छठवीं है पाकू फिश, इसके दांत ही इतने ख़तरनाक है। और ये सारी फिशेस तो जब भी आप अगर पाल रहे हो, आपको शौक है इनको पालना, पालो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए कि इनको आप अपने नदी वगैरह में मत छोड़ो। सो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सागर भैया, वीडियो एंड करने से पहले आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शॉप का एड्रेस बता दो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपको बताई है पहले से, वही है, वापस बता देता हूँ। शॉप नंबर 2 सर्वोदय अपार्टमेंट, गोकुलपेट मार्केट, पुलिस चौकी है गोकुलपेट के उसके सामने, और नीचे गूगल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, बरोबर फॉलो करोगे तो शॉप पे आ जाओगे। सेकेंड फ़ोन नंबर 9987928241, बट ये एक व्हाट्सअप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कॉल मत करो भाई। तीसरी, इस नंबर को गूगल पे डाल दो, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और नेक्स्ट भैया जी, व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए, एक दिन दो दिन तीन दिन में आ जाएगा। रोज के 100-100 इंक्वायरीज, 200-200 इंक्वायरीज कहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा है, परेशान है, और कोई बंदा नहीं उसको रिप्लाई देने के लिए, और पैकिंग और ये सब भी बहुत होती है तो बिजी रहते हैं, उसके लिए करेंगे रिप्लाई, टेंशन मत लो। प्रॉब्लम ये होती है अगर हम मैसेज के रिप्लाईज करते बैठेंगे, पैकिंग में अगर गड़बड़ी की तो दिल्ली का पार्सल कोलकाता पहुंच जाएगा, कोलकाता का पार्सल दिल्ली पहुंच जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। सो एनीवेज, ये वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना ऐसे मत जाइएगा। तो इस तक वेट क्यों मन जाए, अगली वीडियो तक मिलता हूँ, अगले वीडियो में, बाय बाय।